प्राइवेट कॉलेज में मानवता को संसार कर देने वाला मामला सामने आया है। कन्नौज के कन्हैया लाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के मैनेजमेंट ने कैंसर से पीड़ित एक शिक्षक को कॉलेज से निकाल दिया। शिक्षक लगभग 16 वर्षों से इस संस्था में अपनी सेवाएं दे रहा था। शिक्षक अरविंद यादव की माने तो कॉलेज प्रशासन से नौकरी पर रखने के लिए कई बार वह मिन्नत कर चुका है, लेकिन संवेदनहीन प्रबंधक के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। परेशान शिक्षक कॉलेज के बाहर पूरे परिवार के साथ धरने पर बैठ गया है। कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर आर गुप्ता से जब इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने शिक्षक द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार कर दिया। प्रबंधक ने बताया कि शिक्षक अरविंद यादव को अनुशासनहीनता के आरोप में कॉलेज से मई 2016 में निकाला गया था, तब इसको कैंसर की बीमारी नहीं थी। धरने पे भैया इसलिए बैठे हैं कि हमारे हस्बैंड के ऊपर अनुशासनहीनता का आरोप लगा करके उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है और ये कैंसर से पीड़ित हैं। सारे अधिकारियों से फ़ोन पे बात हुई, मैनेजर से भी बात की, उन्होंने कहा कि आप अपना ट्रांसफ़र कराइए या हम नहीं रख पाएंगे यहाँ पर। हमारा वेतन भी नहीं दिया जा रहा है और ना कोई सहायता दी गई, तो हमारा परिवार भुखमरी पे आ गया है। और किस तरह से हमने इलाज कराया अपने हस्बैंड का वो हमें पता है। पहली बात तो ये है कि मैनेजमेंट ने उनको निकालने के लिए उन्होंने मजबूर किया। बहुत ही वो अनुशासनहीन शिक्षक थे, उन्हें कोई भी किसी हर अपने से आचार्यों से लड़ते थे, बच्चों से पीटते थे, क्लास में जात सूचक जातवादी मानसिकता थी। क्लास में खड़े होकर कहते थे कि अब यादव बच्चे कौन कौन है हाथ उठाएँ, वर्मा बच्चे हैं कौन कौन है हाथ उठाएँ। उन्हें कई बार समझाया, कई बार समझने का मौका दिया गया, या उसके बावजूद भी उन्होंने किसी प्रकार भी अपने सुधारने को दिखे। कैंसर निकलने के बाद हुआ, कैंसर हमारे जब तक वो हमारे स्कूल में काम करते हैं तब तक उनको कोई कैंसर का डिक्लेयर हुआ था ना, उन्होंने जानकारी दी।